स्पेशल ये है कि कहीं वो रियलिटी फैंटेसी को मर्ज कर रहे हैं हम लोग इस कैलेंडर के साथ। सबका माइंड में फैंटेसी रहता है बट उसको रियलिटी में तो कभी करते नहीं है। तो व्हाट वी डूइंग विद इल्यूजन इज टू ट्राई टू गेट द फैंटेसी एलिमेंट इन एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड, बिकॉज आई मीन आई थिंक टुडे इंडिया इज मोर ओपन एंड वी आर मोर ओपन टू हाउ वी सी थिंग्स। बिकॉज इन फॉरेन कंट्रीज ये तो 40 साल पहले होता था ऐसे पिक्चर्स, बट ऐसे नहीं कि ज़्यादा बोल्ड है। इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स किंकी, आई वुड यूज़ दैट वर्ड। बट व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज थोड़ा बहुत पुश द एनवलप। पिक्चर्स साथ सीधे साधे नहीं, एक स्टोरी है। दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दिस कैलेंडर। वो तो हमेशा होता रहता है या बट ऐसे शूट में काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे कि अभी बाइक यूज़ करना है, मॉडल्स एक शूट में है, जूते भी एक जूते भी देखना है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है। यानी कि एक क्लाइंट जैसी शूट हो गया, बट एक मोमेंट जो हमको चाहिए वो मिल रहा है हमको, जो स्टोरी है वो आ रहा है। दैट्स वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट इम्प्रोवाइज ऑलवेज हैपन्स, आई मीन देर इज नो शूट आई गो वेयर एवरीथिंग इज सो सेट कि बॉस चेंज नहीं करेंगे। वो तो होता ही है और वो क्रिएटिव प्रोफेशन है, तो चेंजेस लाइट में इम्प्रोवाइजेशन होता है कभी कभी। सो या फोटोग्राफर आप जब भी लोगों से मिलते हैं, जी जाते हो, कितना चीज़ों को आप चुनते हैं, नोटिस करते हैं कि यार इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना चाहिए या फिर मैं इस चीज़ को। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आप बता पाए। अभी एक लेबरर कहीं बैठा हुआ था हॉन्चिस पे और बीड़ी पी रहा था ऐसे, तो ये जो फ्रेंड हमारा सुधांशु, बहुत साल पहले मैंने उनको बोला कि भाई वो शॉट देखा था, आप ट्राई करेंगे? उसने बोला हाँ, एंड वी ट्राइड एंड केम इट रियली गुड। सो वो आप सोचेंगे कि वो लेबरर है और वो बीड़ी पी रहा, बट ये बंदा ने अपना फैशन क्लोथ में वो सिगरेट पिया है और वो शॉट वही रियलिटी को यूज़ किया। सो वो काफ़ी होता है बट नॉट ऑल द टाइम। आई थिंक इट्स इन द स्पेसिस वेयर आई हैव द फ्रीडम, यानी कि सब टाइम वो फ्रीडम नहीं होता। जी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सामने वाले में देखते हैं कि यार कम से कम इसमें ये फैक्टर हो तो मेरा काम आसान हो जाता है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉरी मार्क 2 मिनट्स। या ओके या so the most important thing I think from getting something out of a celeb or the person I'm shooting is a certain comfort level. वो comfort level अगर नहीं है तो वो दिखता है photos में। so I make a point to figure out from that celeb or before that कि उसका interest क्या है। एक बार वो interest को connection हो गया तो वो pictures आते ही है, and that's most breaking the ice जिसको बोलते हैं वो important है। जी 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 हाँ, दो तीन है। एक तो जब मैं फोटोग्राफी पहले शुरू किया था और एक कैमरा हाथ में आया तो मेरा एक कुत्ता था, और जब मैं 8 साल के था तो उस टाइम जो ब्लैक एंड वाइट जो खींचा था वो कुत्ता का पोर्ट्रेट, वो दैट्स वेरी क्लोज टू मी, और दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं नोट्स लिखता था कि ये सो वो क्लोज है। और रिसेंटली मैंने एक रिसेंटली भी नहीं, ये एटलीस्ट 20 साल पहले की बात है, एक ब्लैक एंड वाइट शूट किया था। एक फोटोग्राफर को मैं फॉलो करता था रिचर्ड एवडॉन बोल के, और उसका लिटरली नकल किया, बट वो नकल इतना अच्छा है कि आज वो फोटो मेरा है। तो वो डेविड का एक न्यूड है इनफैक्ट। सो है ऐसे एक दो, बट जी 10 साल बाद तक क्या सोचते हैं कि कुछ मैं कभी कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ, या अगर आपने किसी कुछ ऐसा कोई काम देखा हो जो आपके जहन में ठहर गया हो, मतलब क्या देखते हैं आगे 10 साल बाद क्या आपने कहा किसी काम को? हाँ, आज जिसको मैं एम्यूलेट कर रहा हूँ आज का शूट में, एक फोटोग्राफ है जो जब मैं पैदा हुआ था वो इमेजेस क्रिएट करता था, हेलमेट न्यूटन बोल के। हेलमेट न्यूटन 1970s में आए थे ऑस्ट्रेलिया से पेरिस, और उस टाइम में ऐसे टाइप के फोटोज़ करते थे जो फैशन इंडस्ट्री को पूरा उस टाइम हिला लिया था। तो आज का डेट में उनको फॉलो कर रहा हूँ जो 40 साल पहले के इमेजेस है, शायद 10 साल बाद किसी और को फॉलो करूँगा, या खुद का इंस्पिरेशन चाहिए आदमी को, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो कोई आर्टिस्ट को फॉलो करे, बट मेरा इंस्पिरेशन नॉर्मली अदर फोटोग्राफर्स रहते हैं, सीनियर फोटोग्राफर्स। तो हाँ, मे बी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई विल बी फॉलोइंग समवन एल्स। यस
थैंक यू थैंक यू मेरे ख्याल से जब स्टिल फोटो शूट होता है ना तो मेरा ये मानना है ऑब्वियसली ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ बोथ कैमराज विच इज जो वीडियो कैमरा होता है और जो स्टिल कैमरा होता है दोनों में जो फ़र्क होता है वो ये है कि स्टिल कैमरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपके कौन से एंगल्स करेक्ट आते हैं और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भूल जानी पड़ती है बिकॉज जब आप परफॉर्म कर रहे हैं जब आप एक्ट कर रहे हैं सीन्स को तब आपको भूल जाना पड़ता है कि आपका कौन सा एंगल अच्छा है तब आपको प्योर बिकॉज ऑडियंस आपके वहाँ से सेंटिमेंट से और इमोशन से कनेक्ट करती है आँखों से कनेक्ट करती है बट स्टिल फोटोग्राफी में वॉट पीपल सी इज योर पोज योर एटीट्यूड योर बॉडी लैंग्वेज इज वॉट दिस सी इन स्टिल फोटोग्राफी तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं स्टिल फोटोग्राफी के लिए That's true. You have aapke koi angles hote hain and you have to focus on that. But then when the shoot starts, you focus and then you go with the flow, right? That's true. You just flow in and feel what you're doing, how you're feeling sexy or how you're feeling for the respective shoot. And somewhat the emotion should come from inside as well. Yeah. Yeah, actually I did theater all my life, so I've always been passionate about acting and I'm a cinema fanatic. तो घर में माई डैड एंड आई इज अ गुड रीडर सो वी यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज टुगेदर सो द लव ऑफ मूवीज गॉट मी हियर सो दैट्स व्हाई द शिफ्ट हैपेंड तो आई डिड अ पेजेंट मिस इंडिया ग्लोबल कैनेडा 2015 आई वन दैट एंड देन उसके बाद माई पेरेंट्स वांटेड मी टू कंप्लीट माई एजुकेशन एंड देन कम गो टू मुंबई दैट्स बेसिकली सब लोगों के दांत वहां छोड़ा है ये और इधर आ गया करूंगी ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है चाहे वो फोटोग्राफर हो चाहे डिजाइनर हो चाहे वो एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सोचा हुआ है हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान मिलके किसी भी शूट को अंजाम नहीं दे सकता चाहे वो स्टिल शूट हो चाहे फिल्म हो हर आदमी का इनपुट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है स्टिल फोटोग्राफी में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फोटोग्राफर आपसे जानना चाहता है कि वॉट डू यू थिंक आपको किस एंगल से करना पसंद है वॉट एंगल वुड यू और इज़ देर एनी गुड एंगल दैट यू वुड वॉन्ट टू शूट तो उसी तरह से आई थिंक वो सब इनपुट्स जो होते हैं दैट बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द एंटायर शूट सक्सेस एंड दैट्स व्हाट वी डू ऑल द टाइम अमलगमेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स या एंड इट्स गिव एंड टेक लाइक यू नो देयर आर सम थिंग्स वी कैन सजेस्ट देयर आर सम थिंग्स दे सजेस्ट एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक ही सेड इट्स टीम वर्क my jawline yeah oh thank you very much aapke sath sudhanshu kumar hai bollywood mein jo bahut photo jane ka mujhe aisa lagta hai ki siddharth malhotra I think is very very photogenic I think he's a very very good looking man just effortlessly good looking and amongst the women I think deepika padukone has been by far the most flawless face and everything I mean her whole persona is absolutely flawless yeah thank you so much hum hope karte hain ki ye photoshoot aapko bahut yaadgar rahe aur behtareen tasveerein nikal ke aaye jo logon tak pahunche thank you very much thank you what do you have to say about
about today's calendar? It's going to be the first calendar shoot of 2019. Yeah. So how excited are you and what is the concept? How it was really exciting. Like, you know, all the cosplay and everything, like, you know, the whole Playboy thing coming over. It's amazing. Yeah. Yeah, I think it was absolutely fantastic. I had a lot of fun, and for me, I think posing has always been, being in front of the camera, just getting your pictures clicked has always been one of my hobbies. So this is turning my hobby into professional things. So it was an absolute pleasure for me at least. You know, boys and bikes, they go hand in hand. So what do you have to say about Ducati? I love Ducati and I own one. Yeah, so of course I love Ducati. So it's a, you know, the whole the luxury thing coming in, so it's a really good thing, and boys love bikes more than girls. Sorry. I think it's I mean, it's one of my favorite bike brands. But today when we were posing with it, we were shooting with it. It was like it wasn't a prop. It was like one of us because it's so gorgeous that it was a model. There were three models in the frame, so that's what it actually felt like. What's a brief Runa gave you all when you knew about the calendar shoot? How did it all start? She came to me and she was just like, Binafsi, you have to look really hot. And I was like, okay, that's simple. That's easy for me to do. That's it. That was literally the only brief she gave me. And just yesterday she called and she was like, you know, you guys get the chemistry working and we want you all to look really good together. So we were like, okay, let's just get on call and talk about it. And like, how can we talk about our chemistry on call? So, you know, today with the shoot and we saw a few pictures and, you know, we like every time we kept shooting, we just kept getting better. So the final product hopefully will be fantastic. Yeah, fantastic. What would you say, how you approached it? Even last time I did the cover for Illusioner, and like, you know, it's a very good theme. Like, you know, it's a very creative theme. So I don't think anyone in India has even thought about it like the way the Runa had thought. It's a very creative mind. So like, you know. Thank you. Yeah. Thanks. Thank you. Are we done? Runa, so yet another your 2019 mother calendar, what do you have to say about that? Well, how did the whole concept happen? Firstly, you would like to know how did it all start? See, as you know what, I have always been in the fashion line. And being in the fashion line, I've seen that most of them, they focus on female wears, female fashion. So then I decided that why not come with something related to Indian men, because the fashion industry in India, they don't focus on Indian men. So hence I came up with this concept of high fashion men calendar, where I have been taking only Indian men past 3 years and making them look sexy and bold. This time I wanted them to be in tuxedos, where I thought that, you know, a rich man, if the calendar's theme is called Crazy Sexy Cool, owns a club, has a super bike Ducati and a fantasy girl where he thinks a beautiful sexy girl. So there I pitched in Binafsi, where I thought she's one of the role models, a youth icon for... I'm a fantasy girl. So he takes her as a fantasy girl. And I thought both of them gel out very well. And both of them are youth icons, guys. I think they are the face of today's country. Hence the concept, and that's the reason why this time, when we launch the calendar, you'll see some really amazing concepts. And Ronnie is a fantastic photographer. So this time, guys, when you all come in for the calendar, you will find new faces, new concepts, and altogether a different look and feel. How much you typically choose like model and actor together, because you know it's Well, they're both models and they're both actors. Yeah. So it's not that she's a model or she's an actor. So yeah, they're both model and actors. Yeah, so completely into the entertainment. And Sudhanshu has always been my role model. Okay. That's why when I wanted a strong face, I said I would talk to Sudhanshu, pitch him for the calendar, and he has been such a nice person that he accepted my proposal, and there he's on the cover for me. Okay, last year how many people and how many models and models on the calendar? So like past 2 years I've been using just men for the calendar. Yeah. You know, first year I had just 12 men. Second year I had taken one female. Yeah. This year I thought no, I will go in because it's fantasy, you know. Yeah. It's all role play. So it's like 14 men and 14 women in the calendar.
And you'll see all hot women in the calendar, and men being covered in tuxedos, they look super hot. Third time is more growing in your calendar. I am sure. I wish you all come for the launch and see how the concept every year is different. Yeah, it gets hotter. This time she stripped down the women, not the men. Yes. Okay, thanks. Good luck. Yeah. Thank you so much. Just a parting note, I would like to know so now this year what we are doing is we are tying up with different channels. Where past 2 years I've been not selling the calendar, but yeah, this year I have tied up with Book My Show and different channels to sell the calendar. And when I was tying up with them, they loved the concept. So hence I think I'll get a very good, I'm getting a very good feedback of, you know, when is the calendar launch, when are you giving it to us. And hence the launch is early this time. I usually launch it in 1st of January or so. This time I'm doing it before Christmas. This is your first calendar you give to anyone, any actor in this year? Sorry? This is the first calendar you was like give to anyone, any actor in this year? Who would you be gifting your first calendar? Well, I think the 4 celebs in my calendar, yeah, this time. They are my priority. They are the 4 people who have been my support. They have been really sweet. Benasha, Sudhanshu, Bhumanyu, Meha. All the 4 of them have done a fantastic job. So it's them first. Thank you. Thanks, guys.